तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बॉलीवुड के आने वाले दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली 7 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दिसंबर के महीने में थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुरू करते हैं। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। ट्रेलर को ऑडियंस से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। हालांकि ये फिल्म RX100 फिल्म की ऑफिशियल रिमेक है, जिस फिल्म को ऑडियंस से बहुत ही प्यारा रिस्पांस मिला था। फिल्म माइक्रो बजट पे बनी थी और फिल्म ने बहुत ही अच्छी कलेक्शन की थी। तो देखते हैं इस फिल्म को ऑडियंस से कैसा रिस्पांस मिलता है। ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में अहान शेट्टी, जो कि सुनील शेट्टी की बेटी हैं, जिनकी ये पहली फिल्म है, तो ऑल द बेस्ट। और फिल्म में तारा सुतारिया की रोल प्ले करने वाली है। डायरेक्शन दी है मिलान लुथरिया और ये फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज हो रही है सिनेमा थिएटर में। हमारे लाइन में एक जोक है, क्लाइंट और मौत कभी भी बुला सकते हैं। बॉब विश्वास का ट्रेलर मुझे काफ़ी सही लगा और अभिषेक बच्चन काफ़ी सही लग रहे हैं बॉब विश्वास के कैरेक्टर में, जो कि हम सबको 2012 की कहानी फिल्म में दिखा था। हम सबको अभिषेक बच्चन चित्रांगदा सिंह की रोल पे करने वाली हैं और फिल्म को 3 दिसंबर को रिलीज कर रहे हैं थिएटर्स में नहीं Zee5 पर। तो देखते हैं फिल्म कैसी होती है। ओए लिविन में रह ले, मेरा टब्बर मेरे पीछे पे आया, तेरे नाल ब्याह कराना तो एक बार मना कर दे, सब खत्म। पर मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। चंडीगढ़ का रियासी की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर दिखाई देने वाली है और फिल्म में हम सबको एक लव स्टोरी देखने मिलेगी। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर अभिषेक कपूर है। इस फिल्म को 10 दिसंबर को रिलीज कर रहे हैं थिएटर्स में। हेलो अरे सर, साला प्रणाम भी कर ले, पैर भी छू ले और आशीर्वाद भी मांग ले, जेल में काम आएगा, किडनैपर है तू। विले क्राइम कॉमेडी फिल्म होने वाली फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म 2019 की तेलुगु फिल्म ब्रोची वारी वरूरा फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, जो कि फिल्म काफ़ी अच्छी है यार, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म को मैं सबटाइटल के साथ देखा था तो मुझे इतना ज़्यादा हंसी आया था, अरे भाई साहब ये फिल्म अच्छी बनी होगी ना। तो ये फिल्म 2021 की एक अच्छी कॉमेडी फिल्म साबित हो सकती है अगर अच्छी बनी होगी। तो फिल्म में अभय देओल, करण देओल, आनिया सिंह, सवन सिंह प्रेमी, विशेष तिवारी दिखाई देने वाले हैं और फिल्म में मोनी रॉय स्पेशल अपीयरेंस कर रही हैं। डायरेक्शन दिए देवन मुंजल, जिनकी मेरे हिसाब से ये पहली फिल्म है। इस फिल्म को 10 दिसंबर को रिलीज कर रहे हैं थिएटर्स में। देख लूंगा। बाल सुनो, क्या बोला था? कल तुझे देख लूंगा। सीट मारो। 83 बॉलीवुड के आने वाली मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी, जो कि फाइनली इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में फील है यार, वाइब है, क्या ट्रेलर लग रहा है। तो फिल्म भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। वैसे इस फिल्म को पिन इंडिया लेवल पर रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे भाषाओं में रिलीज करने वाले हैं और सभी लोगों को लगता है ये फिल्म सूर्यवंशी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो क्या लगता है आप सभी को, ये फिल्म सूर्यवंशी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? लिखकर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ताहिरा जसीन, जीवा, हार्डी संधू और एमी विर्क और बहुत ही लंबी चौड़ी प्रॉमिसिंग सपोर्टिंग कास्ट है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए कबीर खान, जो कि उससे पहले बजरंगी भाईजान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्शन दिए थे। इस फिल्म को 24 दिसंबर को रिलीज कर रहे हैं थिएटर्स में। एक लड़की को दोनों मिल जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी? तो ये एक लड़की मेरी ही किस्मत में होनी थी, साला गर्दा उड़ा। अतरंगी रे एक इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है। फिल्म में क्या चाहिए यार, धनुष और अक्षय कुमार सर हैं, तो फिल्म में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और फिल्म में सारा अली खान भी दिखाई देने वाली है और फिल्म को डायरेक्शन दिया आनंद अल राय, जो कि उससे पहले रांझना बना चुके हैं धनुष के साथ। तो फिल्म में वाइब आने वाला है और वैसे मुझे रोमांटिक फिल्में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो देखते हैं फिल्म कैसी होती है। इस फिल्म को 24 दिसंबर को रिलीज कर रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जी मैं यूं ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं, उसकी नजरों में से एक कतरा भी कम मैं होने नहीं दूंगा। विद्या जर्सी 2 नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म और काफी अच्छी फिल्म जर्सी फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नानी और श्रद्धा श्रीनाथ दिखाई दी थी और दोनों की परफॉर्मेंस इस फिल्म में काफी 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 अच्छी थी। तो देखते हैं ये फिल्म कैसी होती है। और कबीर सिंह, शाहिद कपूर की लास्ट फिल्म को ऑडियंस से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि ये फिल्म कितनी कलेक्शन करती है, क्योंकि वो भी फिल्म ऑफिशियल रीमेक थी और ये भी फिल्म रीमेक ही है। ये फिल्म एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में शाहिद कपूर, मुन्नल ठाकुर और पंकज कपूर सर दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्शन दिए गौतम टीना अनूरी, जो कि असली वाली फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म को 31 दिसंबर को रिलीज कर रहे हैं थिएटर्स में। बिफोर वी हियर टू विन,
तो ये थी दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सारी फिल्में जो कि दिसंबर के महीने में ओटीटी और थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। तो आप लोग इस फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, एक फिल्म का नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, एक फिल्म का नाम नहीं आप लोगों को तीन फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। वैसे मैं जर्सी फिल्म के लिए वेट कर रहा हूँ, जर्सी कैसी होती है देखने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। वैसे 83 हो गया, तरंगी हो गया और बहुत सारी फिल्में, आप लोग इस फिल्म के लिए वेट कर रहे हो लिख कर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार।